मुस्कुराने की वजह तुम हो। कथा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? आराम से आराम से आराम से आराम से। चली क्या हुआ बेटा? पता नहीं अचानक से क्रैम्स आ रही जा। क्रैम्स आ रहे? नाना तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर बंसल को फोन लगा रही हूँ। कबीर, सबको पता चल जाएगा इसे क्या हो रहा है, प्लीज इसे ऊपर ले चलो जल्दी। कथा उठो, उठने की कोशिश करो। धीरे धीरे कर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। करना भाभी को क्या हुआ? कुछ तो खिचड़ी पकड़े, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। कथा चली आंखें खोलना, क्या हो गया अचानक, पेट दुख रहा है बहुत। दी हे भगवान, घर पे होती तो अजवाइन का काढ़ा बना के देती, अब यहाँ होटल में किससे पूछूं। मन्नू मॉम रिलैक्स, कबीर जी जो बात कर रहे हैं ना अपने डॉक्टर फ्रेंड से, रिलैक्स हो जाओ, क्यों इतना घबरा रही हो? कैसे टेंशन ना लूं, इतने पेट में दर्द हो रहा है इसके, और वो भी सब मेहमानों के सामने। Thanks, bro. Thanks. मैं तुझे अपडेट करता हूँ। हेलो रूम सर्विस, रूम 102 में हॉट टॉवल्स, जल्दी प्लीज। हाँ उठ के बैठने की कोशिश करो, चल आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने अभी अभी डॉक्टर से बात की, बस अभी उठ के खड़ा होना है तुम्हें, ओके? कम, अपने पैर नीचे रखो और खड़े होने की कोशिश। नहीं नहीं कभी, खड़े होने से शायद ज्यादा तकलीफ हो सकती है। हम पानी लेकर आई हूँ। तुम ठीक हो? अब धीरे से अपने टोस पे आ जाओ। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मेरे हाथ का सहारा लो और टोस पे आओ, मेरी आंखों में आंखें डाल के लंबी सांस लो, राइट? जब मैं आउट बोलूं सांसें बाहर, ऑलराइट? वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड आउट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड आउट। Thank you.
युवराज का कॉल है, जरूर पूछना होगा कि दी की तबीयत कैसी है, बाद में कॉल करती हूँ। फीलिंग बेटर? अपनी दुख रहा। आंटी जी, कथा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन बेटा, मेहमानों में से अगर किसी को भनक पड़ गई तो अचानक से सबके सामने पेट में ऐसा दर्द होना, प्लीज कभी। जल्द से जल्द आप अपनी फैमिली को मेरे बारे में बता दीजिए। ये कैसा राज है जो तलवार की तरह मेरे गर्दन के ऊपर लटका हुआ है और मुझे अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ऊपर से आपके घर वाले मुझे इतना प्यार दे रहे, मैं उनसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती कभी। मैं उनको इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। मैं देखती हूँ। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता दूंगा, बस सही वक्त आने तो दो। सही वक्त पर क्या बताओगे घर वालों को? दीदी, वही जो आप जानने की कोशिश कर रही हैं। आप यह जानना चाहती है ना कि मैं इतनी जल्दबाजी में गाथा से क्यों शादी कर रहा हूं? सच बताऊं मैडी दी, ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि जब से कथा मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं बहुत बेताब हूं उसको अपनी जिंदगी में लाने के लिए, इसलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और गाथा बहुत स्पेशल है, इसके बारे में मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, आप सबको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, पर फंक्शन के बाद इत्मीनान से बैठ के आप सबको सब कुछ बताऊंगा। वैसे आप यहाँ अचानक क्यों? गाथा अब हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है, और अगर ऐसे में उसकी तबीयत खराब होती है तो क्या मैं पूछने भी नहीं आ सकती? हाँ, अब तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? और ये हॉट टॉवल्स किस लिए? उमा जी, कोई ऐसी बात है क्या जो आपने हम लोगों से छुपाई हो? मैडी दी, आपका दिमाग डिटेक्टिव से कम नहीं चलता। हाँ, हॉट टॉवल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गाथा को दर्द हो रहा था, इस वजह से वो रो रही थी, और रोने की वजह से उसका काजल खराब हो गया। अब इन हॉट टॉवल से वो अपना मेकअप उतारेगी, तभी तो फ्रेश मेकअप होगा। Really? But मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और ही है? और पता है मुझे इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा भाई कबीर अपनी मैडी दी से कुछ नहीं छुपाता था। छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है मैडी दी। मेरे दिल में गाथा के लिए जो इज्जत है, जो प्यार है, वो मेरी आंखों से साफ साफ झलकता है, तो क्या छुपाऊंगा मैं? कोई कुछ भी कहे, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतना तो मुझे समझ में आ गया है, ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है।
ये जो तुम्हारा भाई पूरा दिन किशोर जीजू करके उस दूध वाले के पीछे पीछे रहता है ना, ये सब उसी का नतीजा है। वो इतना गरीब आदमी इतने बड़े महल जैसे घर का दामाद बन गया, अब वो राह चलते हुए भिखारियों को भी उठा कर ला रहा है घर में। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की बेवकूफी की वजह से श्वेता का बाप मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा। I'm sorry, यश, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो ये बात तो क्लियर है कि हम दोनों ही नहीं चाहते कि ये शादी हो। मेरा कबीर बहुत भोला है और मैं ये जान गई हूँ कि उस लड़की में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है और उस लड़की ने मेरे भाई को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। कबीर की शादी श्वेता जैसी लड़की से ही होनी चाहिए थी। क्या सजेस्ट कर रही हो कि हम जाके शादी तोड़ दें? नहीं, लेकिन यश मैं जानती हूँ कि तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो जिससे ये शादी रुक जाए। और प्लीज तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। सर एक और ड्रिंक रिपीट करूं? अरे नहीं भाई, बहुत हो गया। टू भाई, अरे ऐसे कैसे राहुल साहब, अभी तो शाम शुरू हुई है। बेटा वन मोर ऑन द रॉक्स। शाम से एक बात याद आ गई, हमारे उत्तराखंड में कहावत है सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। भाई ये तो मान गए, खातिरदारी कोई करे हॉस्पिटैलिटी जी उदयपुर वालों जैसी करे। रावत साहब, आप हमारा परिवार है और आपका खास ख्याल रखना ये हमारी ड्यूटी है। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक कथा के पेट में अचानक दर्द ऐसे होने लगा, तबीयत तो ठीक रहती ना उसकी? तबीयत तो ठीक ही रहती है, लेकिन आजकल की लड़कियों को तो आप जानती हैं, कभी डाइटिंग, कभी ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये सब उसी का नतीजा है जी। अच्छा अच्छा, मतलब ये सब होता रहता है उसके साथ, पहले भी कभी हुआ है क्या? अब याद कीजिए जरा, शायद कुछ। हाँ याद है, एक बार ऐसा हुआ था, लड़के वाले रिश्ता लेकर कथा को देखने आए थे, बात फुल एंड फाइनल तय होने वाली थी कि अचानक कथा को उल्टी आ गई, अच्छा खासा रिश्ता होते होते डिस्ट्रॉय हो गया, फिनिश। अच्छा, लेकिन ये कथा को अचानक उल्टी क्यों आई और ये रिश्ता क्यों नहीं हुआ? लड़के वालों को कोई आपत्ति थी क्या? यश जी, ये रिश्ता वहां कैसे होता, रिश्तों के तार तो नैनी जाने उदयपुर वालों के साथ जोड़ रखे थे। पधारो मारे देश रे। अरे जेठ जी, इतने सुबह, सब ठीक है ना? माफी मांगने आया हूँ तुझसे उमा। माफी? क्या बात है जेठ जी, अंदर आइए आइए। क्या हुआ जेठ जी, घबराए हुए? आपको ना छोटी सी गलती हो गई। क्या हुआ बताइए ना साफ साफ। कबीर के जीजा जी है ना, क्या नाम है? यश। यश ने मुझे शराब पिलाई रात को और नशे में कथा के बारे में पूछताछ करने लगा। नहीं नीजा, आपने क्या कहा जेठ जी? मेरे मुंह से बात निकली कि क्षितिज के घर वाले कथा को देखने आए थे और अचानक कथा को उल्टियां हो गई।
और भी रिश्ता नहीं बन पाया। हे भगवान, आपने मधु के पति को कथा के बारे में बता दिया जी जी। हे भगवान, कल सबके सामने चेली के पेट में दर्द हो गया था और अब जेठ जी ने मधु के पति को जाकर ये उल्टी वाली बात बता दी। लेकिन तुम घबराओ मत, सिर्फ उल्टी वाली बात से कोई चेली के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोचेगा? और फिर हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि उनके घर वालों से कुछ छुपा रहे ठहरे। और फिर कथा जैसी प्यारी चेली के चरित्र पर कोई उंगली क्यों उठाएगा? अब तक तो ये बात कबीर की बहन मधु तक पहुंची गई होगी, और अगर ऐसे में कबीर ने कथा की सच्चाई घर वालों को बता दी तो फौरन रिश्ते के लिए मना कर देते। मैं ऐसा होने ना दे सकती, अपनी चेली का रिश्ता टूटने ना दे सकती। मुझे कुछ भी करके कबीर को मनाना ही होगा कि वो कथा के माँ बनने वाली सच्चाई अपने घर वालों को अभी ना बताए। अरे उमा, उमा कहाँ जा रही हो? उमा, वहीं रुक जाइए। कबीर को आपसे कोई बात करनी है, जरूरी बात। कबीर, क्या हुआ बेटा? तुमने अपने घर वालों से बात कर ली? मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत साबित हूं। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। कबीर के घर वाले कथा की सच्चाई सुनने के बाद उसे अपना नहीं पा रहे हैं। बेटा, क्या बात है? प्लीज साफ साफ बोलो ना, मेरा दिल बैठा सा जा रहा है। मुझे माफ कीजिएगा आंटी जी, पर मैं चाहकर भी आपकी बेटी कथा से शादी नहीं कर सकता। कथा से तुम शादी के लिए ना कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया कबीर? कल तक तो सब ठीक था ना? हाँ बोलो ना, सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया होगा ना? कबीर, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से एक बार बात करूं बेटा। हाँ एक बार बस। देखो, एक माँ दूसरी माँ को अच्छे से समझेगी। सॉरी आंटी, अभी कुछ नहीं। कबीर ने मन बना लिया है नहीं करनी उसे आपकी बेटी से शादी? हाँ कबीर, तुम कथा से आंटी। आराम से, आराम से, आराम से। उमा जी, आप ठीक तो है ना? ये बेटा पानी लेकर आना जी। पीर भाई, सच बता दो ना यार, आंटी की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना ये रस्म? माफ कीजिएगा उमा जी, ये हमारे यहाँ की एक रस्म है। आप बिल्कुल घबराइए मत। वो क्या है ना कि एक रिचुअल है जिसमें लड़का कहता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले रहा है और वो शादी नहीं करेगा। बस हम लोग वही रिचुअल फॉलो कर रहे थे। आंटी, कबीर इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं।
पर मधु ने इतना जोर डाला कि उसे तैयार होना पड़ा। आंटी आप पानी तो पीजिए। आप तो ऐसे डर गई जैसे यही डर दिल में लिए घूम रही थी। उमा जी